बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान राणा शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। मेरा आज का टॉपिक है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की बरकत और सदका ही है कि आज रोहे ज़मीन पर कोई ऐसा खिता नहीं जहाँ इस्लाम के पैरोकार ना हों। जैसा कि मैं कल के प्रोग्राम में बताया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रोज़ाना की बुनियाद पर हर चैनल्स के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए। जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं फ्रांस में, जो तोहीन अमेज़ खाके छाया हुए और उन पर पूरी दुनिया में ख़ासकर मगरब में एक बात छिड़ी हुई है, और आलम इस्लाम में इस तरह की बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर चैनल्स का फ़र्ज़ बनता है और हर चैनल्स के ज़रिए मगरबी दुनिया को हम आगाह कर दें कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी के बारे में हर तरह की जो उन्होंने तबलीग के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया है, हमारा अब फ़र्ज़ बनता है कि पूरी दुनिया तक हम उनका पैगाम पहुँचाएँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके परवरदिगार से आप पर नाजल हुआ, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला का मफहूम है, इसे कामल तौर पर लोगों तक पहुँचा दिया जाए। और अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने इसका कोई कार्य रसालत सर अंजाम ही नहीं दिया। और खुदा बंदे ताला आपको लोगों के इन तमाम खतरात से, जिनका एहतमाल है, महफूज रखेगा। और खुदा बंदे ताला हठ धर्म कुफार की हदायत नहीं करता। तबलीग के लिए एक लफ्ज़ अबलाग इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में यह लफ्ज़ इस्तेमाल करके गोया हुक्म दिया जा रहा है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, बिला कम औकात और बिला खौफ लोगों तक पहुंचा दें। जिस चीज़ का हुक्म पैगंबर को दिया जाता है वो उम्मत के लिए फ़र्ज़ बन जाता है। जिसकी दलील अकायद और इबादात हैं और जो अहकाम ही की शक्ल में हैं, जिन्हें यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को पहुँचाकर हक के नबूवत अदा कर दिया। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 1 लाख से ज़ायद हुज्जम गफ़ीर में फरमाया, तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? लोगों ने कहा, हम गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया और खैर ख्वाही फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानब उंगली उठाई और 3 मरतबा फरमाया, या अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, तू गवाह रह, तू गवाह रह, तू गवाह रह। प्रोफेसर मिलर लिखते हैं, इस्लाम दरअसल एक तबलीगी मज़हब है जिसने अपने आप को तबलीग की बुनियादों पर कायम किया, इसकी कुव्वत से तरक्की की और इसी पर इसकी ज़िंदगी का इंसार है। तबलीग गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों ही को हो सकती है। तबलीग इस्लाम के लिए इनके ये अल्फाज अखराज अकीदत से कम नहीं, बल्कि इन लोगों को दावत फ़िक्र भी है कि जिनका ये मुसबाना बयान के इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। इस्लाम रूहानी ही नहीं, मादरी फलाह का भी ज़ामन है, मादी फलाह का भी ज़ामन है, इसलिए हर दौर में तबलीग की ज़रूरत रही। तबलीग के 2 अहम जुज हैं, नेकी की दावत और बुराई से रोकना। तबलीग के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात नाजल फरमाए और इरशाद फरमाया, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी की दावत दे, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं।
सूरतुल इमरान। कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाया मफहूम कुछ यूं है, तुम सबसे अच्छी जमात हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई है, तुम अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। कुरान करीम में 11 मकामात पर तबलीग का जिक्र वाजिया तौर पर आया है, जबकि 25 सूरतों की 37 आयतों में भी आया है। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की बहुत ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुझसे पैगाम सुनकर आगे पहुँचाओ, चाहे ये एक आयत ही क्यों ना हो। तिर्मिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज तबलीग थी, इसकी खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दुख झीले। पहली वही के बाद दूसरी वही का वक्फा 3 साल रहा और इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहे, मगर अब वो वक़्त आ चुका था कि आप अल अलान तबलीग करें। चुनाचा अरशाद हुआ और आपको जो हुक्म दिया गया वह शगाफ कर दीजिए। सूरतुल हजर। एक और मकाम पर अरशाद फरमाया और अपने नज़दीक के ख़ानदान वालों को खुदा से डराइए। हदीस और तारीख से हमें पहली तबलीगी इज्तिमा का जिक्र मिलता है, वो ये कि एक दिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और लोगों को पुकारा, ए अहले कुरैश, इस पुकार पर कुरैश जमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ी के अकब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने बयक आवाज़ यकीनन कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अव्वल से ही सादिक और अमीन हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं ये कहता हूँ कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, वरना तुम पर भी गुज़श्ता कौमों की तरह अजाब नाजल होगा। यह सुनकर लोग बशमूल अबू लहाब बरम होकर वापस चले गए। सही बुखारी। चंद रोज के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि इस वक्त नौ उम्र थे, फरमाया कि दावत का बंदोबस्त करो। खाने से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जो दीन और दुनिया दोनों ही के लिए काफ़ी है। इस्लाम तो इस कोहे गुरा को उठाने में कौन मेरी मदद करेगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। आ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तबलीगी दावत से मक्का के लोग मुतनफ़र हो गए। इस तबलीग के बाद मुशरिक माशरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दर पे हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीतें देने के नत नए तरीके और मंसूबे बनाने लगा। इन अजीतों और मसाइब की झलकियां इन तारीखी वाक़यात में देखिए जो सीरतुल नबी से माखूज हैं। कअब बिन मुय्यत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा जानी दुश्मन था। इसने खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर शानों पर ऊँट की ओज लाकर रख दी। अस्तगफिरुल्लाह। ये अकबा अबू जहल का की शह पर आया था और एक मरतबा उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तबलीग दीन कर रहे थे तो अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसलसल खाक फेंकता रहा और कहता रहा, इसके फरेब में ना आना, ये झूठ कहता है, नऊज़ बिल्ला। हरमे काबा में नमाज के दौरान अकबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चादर से फंदा लगाकर ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया। इत्फाकन इस वक्त अबू बकर हरम में दाखिल हुए और अकबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाते हुए कहा,
कि तुम इस शख्स को मारते हो जो तुम्हें कहता है कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। अबू जहल, अबू लहब, असूद बिन गौस, हारिस बिन कैस, वलीद बिन मुगीरा, नसीर बिन हारिस, ये तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे और साहबे इक्तदार भी थे, जबकि इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे। अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का असर ना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि तबलीग का काम किसी और शहर में किया जाए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिस थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। ताइफ में बड़े उम्रा और रईस रहा करते थे। इनमें उमैर का ख़ानदान सबसे ज़्यादा बाअसर था। वो तीन भाई थे, अब्दुल जलील, मसूद और हबीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों के पास अलग अलग गए और दीन की दावत पेश की। इन तीनों ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नाज़ेब जवाब दिए। एक ने कहा, अगर तुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है तो तू काबे का पर्दा चाक कर रहा है। दूसरे ने कहा, क्या खुदा को तेरे सिवा कोई और नहीं मिला? जिसे पैगंबर बनाया जा सके। तीसरे ने कहा, मैं बहरहाल तुझसे कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तू खुदा का रसूल है तो बात इखलाक के अदब है, और अगर तू झूठा है तो तू गुफ्तगू के काबिल नहीं। इन तीनों भाइयों ने इसी पर इत्तफाक ना किया, बल्कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चारों तरफ से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए, जूते खून से भर गए। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा बिन राबिया के अंगूरों में पना ली, अंगूरों के बाग में पना ली। इस वाक्या पर खूबसूरत तबसरा किया गया है। क्या? इस वाक्या पर बहुत ही खूबसूरत तबसरा किया गया है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ोरे इत्माद था, कि अल्लाह सुभान तआला पर इत्माद था, ईमान था, यकीन था, के बावजूद मक्का में तमाम नाकामियों के तनहा एक मखालफ शहर में आ गए। इस्लाम बतदरीज तुलू हो रहा था। सरदारान कुरैश खाइफ थे कि कहीं इनसे ये सरदारी और माल ना छीन जाए। चुनाचा उन्होंने तय किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ानदान के हमरा शुएब अबू तालब में मसूर कर दिया जाए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन साल तक वहाँ मसूर रहे। इसी दौरान सख्ती का ये आलम था कि ऐलान किया गया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पीने की अशिया फराहम करेगा इसे कत्ल कर दिया जाएगा। साद बिन वक्कास ने फरमाया, एक मर्तबा सूखा हुआ चमड़ा हाथ आ गया, सुभान अल्लाह, मैंने इसको धोया, फिर आग पर भूना और पानी में मिलाकर खा लिया। कुछ सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हमने पत्ते काकर गुजारा किया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब हज का ज़माना आता और हर तरफ से मक्का में आने वाले कबाइल के पास जाते और इन पर इस्लाम की तबलीग निज अरब में जहाँ मेले लगते, इनमें आए हुए कबाइल पर इस्लाम की तबलीग फरमाते। इन मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा हद तक अमेज़ रवैयों का सिलसिला जारी रहता था। ऐसे ही एक मौका पर हज़रत हन्नाब ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुरख हो गया, सुभान अल्लाह, कि हज़रत हन्नाब रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए आप बद्दुआ क्यों नहीं करते?
ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुरख हो गया और फरमाया, तुमसे पहले वो लोग गुजरे हैं जिनके सर पर आरे चलाए जाते थे और वो चीरे जाते थे, उनके चेहरे दो हिस्सों में तकसीम हो जाया करते थे, लेकिन वो अपने फ़र्ज से बाज ना आए। खुदा इस काम को पूरा करेगा, ये उनका यकीन था, ईमान था, इत्माद था कि खुदा इस काम को पूरा करेगा, इसे खुदा के सिवा किसी का डर ना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल सब्र और हिकमत से इस्लाम की तबलीग को जारी रखा और अल्लाह के दीन को गलब करके ही रहे। ये रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की बरकत और सदका ही है कि आज रोहे ज़मीन पर कोई ऐसा खिता नहीं जहां इस्लाम के पैरोकार ना हों। हमें भी इस्लाम की तबलीग सब्र और हिकमत से करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए कि इसी में हमारी दुनिया और आखरत की भलाई है। मेरे प्यारे नाज़रीन, देख लीजिए कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी से इस्लाम कबूल किया, ख़वातीन में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक से दस, दस से सौ, सौ से हज़ार, हज़ार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से करोड़ों, एक अरब, और अब इस वक्त पूरी दुनिया में 1,75,00,000,000, माशाल्लाह 1.25 अरब मुसलमान हैं। क्या हम 1 अरब मुसलमान भी इकट्ठे नहीं हो सकते? ये जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, बदतमीज़ियां कर रहे हैं, बेहुरमतियां कर रहे हैं, हम उनको 1 अरब लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो जवाब क्या नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, हर सूरत देंगे इंशाल्लाह। मैं आज अपने प्यारे नाज़रीन को बताता चलूँ कि मुझे ये तबलीग देने वाली, मुझे इस रास्ते पर चलाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी है जो मुझे तबलीग देती है रोज़ाना की बुनियाद पर। वो मेरी टीचर है। इस वक्त वो अपने हस्बैंड और माशाल्लाह दो बेटियों के साथ सऊदीया में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। और मज़े की बात एक और आपको बताऊँ कि मेरी बेटी की जो टीचर आगे टीचर है, मेरी बेटी की जो टीचर है वो उनकी मदर इन लॉ है। मेरी बेटी ने अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है तबलीग के बारे में, सीरतुल नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज अपनी बेटी पर फ़ख्र है। मैं अपनी बेटी को और अपनी बेटी की मदर इन लॉ को सलाम पेश करता हूँ। इसी तरह हर मुसलमान, ख्वाह ये नहीं है कि कोई उम्र के लिहाज में बड़ा हो तो वही आपको तबलीग दे सकता है या वही आपको समझा सकता है, सबक दे सकता है, नहीं। बच्चे भी आपके उस्ताद बन सकते हैं, बच्चे भी आपके टीचर बन सकते हैं। लिहाजा हम पूरी दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान इकट्ठे होकर इस चीज़ का मगरब को लाजमी जवाब देना है हमें। इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान राना शकीलुर रहमान को इजाज़त दीजिए, अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नसीब ईमान है। अल्लाह हाफिज़।